अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वर्कशॉप प्रैक्टिस 2, जिसका कोड है MECH236 और चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उनकी हम डेफिनेशन और फार्मूला सीखेंगे। पहले नंबर पर है जी कटिंग स्पीड की तारीफ और फार्मूला लिखें। कटिंग स्पीड की तारीफ क्या है ये आप गौर से सुने। कटिंग स्पीड, जब आपका टूल जाब के महवर के मतवाजी फीड ले या कटाई करे तो इसको हम कटिंग स्पीड कहते हैं। मींस के कटिंग स्पीड में क्या कुछ चीजें आ रही हैं। कटिंग स्पीड बराबर है पाई डी एन बटा 1000 मीटर फी मिनट। जब आपका टूल जाब के मेहर के मतवाजी एक मिनट में जितना बरादा मीटरों में उतारता है वो उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। इसकी 2-3 डेफिनेशंस आप कर सकते हैं। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि टूल क्या कर रहा है, जाब के मेहर के मतवाजी फीड ले रहा है या कटाई कर रहा है तो ये उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। CS स्टैंड्स फॉर कटिंग स्पीड। उसके बाद पाई स्पेसिफिक वैल्यू है, मखसूस वैल्यू है जिसकी 22/7 3.14। डी क्या शो कर रहा है, वर्क पीस का डायमीटर शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स या जो जॉब के चक्कर है उनको भी हम कहते हैं, या रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम भी हम इसको कहते हैं। के एक, जब आपका टूल जाब के महवर के मतवाजी एक मिनट में जितना बरादा मीटरों में उतारता है वो उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है और इसका यूनिट भी जाहिर आ रहा है मीटर फी मिनट। डेफिनेशन यहाँ से आपकी क्लियर कंफर्म हो जाती है कि जब टूल जाब के महवर के मतवाजी एक मिनट में जितना बरादा मीटरों में उतारता है वो उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। तो इस फार्मूले को आप याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मेडिकल भी आएंगे तो हम वो भी करेंगे, तो वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होएगा। इस्तेमाल करने के लिए आप इसको जरूर याद कीजिए। यहाँ पे बहुत दफा ये होता है कि हमें डायमीटर मालूम करना पड़ जाता है या एन मालूम करना पड़ जाता है, तो फिर इसी फार्मूले से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सी एस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको आरपीएम भी कहते हैं, तो रेवोल्यूशंस पर मिनट इसकी यूनिट आप लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कटिंग फीड की तारीफ और फार्मूला लिखें। कटिंग फीड और कटिंग स्पीड के अंदर फर्क आपने याद रखना है कि कटिंग फीड में क्या होता है, मशीन के एक चक्कर में टूल जाब के महवर के मतवाजी फीड लेता है या कटाई करता है वो उसकी कटिंग फीड कहलाती है। फार्मूला क्या है, एल बटा एन, एल जॉन्स है वो जाब की लंबाई को जाहिर कर रहा है और एन जॉन्स है नंबर ऑफ टर्न्स है या मशीन के चक्कर है। कटिंग स्पीड में हमने क्या किया था कि एक मिनट के अंदर टूल जाब के महवर के मतवाजी जितनी फीड ले रहा है या कटाई कर रहा है वो उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है, जबकि कटिंग फीड के अंदर क्या है, मशीन के एक चक्कर में टूल जाब के महवर के मतवाजी जितनी फीड लेता है या कटाई करता है वो उसकी कटिंग फीड कहलाती है। एफ स्टैंड्स फॉर फीड एंड लेंथ, लेंथ ऑफ जॉब एंड नंबर ऑफ टर्न्स या आरपीएम। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कट की गहराई की तारीफ करें। कट की गहराई को हम डेप्थ ऑफ कट भी कहते हैं। जब आपका टूल जाब के महवर के अमूदन जितना मटेरियल में दंसता है वो उसकी कट की गहराई कहलाती है। ठीक है जी। यहाँ पे टूल जॉन सा जाब के महवर के अमूदन है और उन दोनों डेफिनेशंस में टूल जाब के महवर के मतवाजी है, तो यहाँ पे टूल जितना जाब के अंदर अमूदन दंसता है वो उसकी कट की गहराई कहलाती है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन मशीनिंग टाइम की तारीफ और फार्मूला लिखें। मशीनिंग टाइम की तारीफ और फार्मूले के अंदर पहले नंबर पे हमें सीखने की जरूरत है कि मशीनिंग टाइम में क्या कुछ होता है। आप लोग जब लेथ मशीन पे जाते हैं तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेथ मशीन पे अपना वर्क पीस होल्ड करते हैं, उसके बाद अपने टूल को होल्ड करते हैं टूल पोस्ट में, उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। तो दी हुई ड्राइंग के मुताबिक वर्क पीस को तैयार करने के लिए आपका जितना टोटल टाइम होता है वर्क पीस को बांधने से लेकर टूल को बांधने तक और टर्निंग फेसिंग करने के दौरान जितना भी वक्त लगता है वो उसका मशीनिंग टाइम कहलाता है। मशीनिंग टाइम को हम किस तरह जाहिर करते हैं, इसको टी से लिखते हैं और इसका फार्मूला है एन एल बटा एन जरब एफ। यहाँ पे भी एल जोन सा वो जॉब की लंबाई को जाहिर कर रहा है, एन जोन सा वो नंबर ऑफ टर्न्स को जाहिर कर रहा है, एफ जोन सा वो फील्ड को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह मशीनिंग टाइम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं और इसका यूनिट क्या है, मिनट। टाइम का यूनिट कौन सा है, वो मिनट है। तो मशीनिंग टाइम की तारीफ आप इस तरह कर सकते हैं कि टूल और जॉब को मशीन पर पकड़ने के दौरान जितना वक्त कंज्यूम होता है या लगता है वो उसका मशीनिंग टाइम होता है। तो ये फार्मूला इसका एडिंग टी बराबर है एल बटा एन जरब एफ और इसका यूनिट है मिन। ठीक है, ये नौजवानों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको सीखें, इनके फार्मूलाज भी रिवाइज करें और ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे जाकर एक दो न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे, तो इसको सीखें रिवाइज करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।